आप पार्टी का विधानसभा चुनाव की तैयारी। छत्तीसगढ़ में आम आदमी पार्टी का भव्य आयोजन शहीद स्मारक भवन पर संपन्न हुआ, जहां बालोद जिला से आम आदमी पार्टी के लगभग 500 कार्यकर्ता उपस्थित हुए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए दिल्ली से आए पार्टी के प्रदेश प्रभारी व कैबिनेट मंत्री गोपाल राय ने कहा कि आम आदमी पार्टी की दिल्ली में सरकार आने के पश्चात विगत 6 सालों में स्कूलों की संख्या बढ़ गई है। सरकारी स्कूलों में पढ़ने के लिए लाइन लगने के साथ साथ विदेश के लोग भी सरकारी स्कूल में अध्यापन कार्य को देखने के लिए आ रहे हैं। जगह जगह मोहल्ला क्लिनिक के माध्यम से मुफ्त में इलाज किया जा रहा है। बेरोजगार लोगों को रोजगार के लिए बिना ब्याज के 10 लाख रुपए का लोन दिया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य में लोग शिक्षा एवं स्वास्थ्य सुविधा से वंचित हो रहे हैं और दावा किया कि प्रदेश में आम आदमी पार्टी की सरकार आने पर सर्वप्रथम शिक्षा एवं स्वास्थ्य व्यवस्था में अभूतपूर्व कार्य किया जाएगा। वाले समय में 2023 के विधानसभा चुनाव को देखते हुए आम आदमी पार्टी पूरे छत्तीसगढ़ के पूरे 90 विधानसभा में अपने संगठन को तैयार कर रही है और हर तरह के जो पार्टी की इकाई होती है, यूथ विंग है, महिला विंग है, किसान प्रकोष्ठ है और तरह तरह के जितने भी विंग हैं, उस विंग में अब काम जोरों से शुरू हो गया है। संगठन को मजबूत करने के लिए और आम आदमी पार्टी को गांव-गांव तक, घर-घर तक पहुंचाने के लिए आज इस कार्यक्रम में आदरणीय दिल्ली के कैबिनेट मंत्री और प्रदेश प्रभारी गोपाल राय जी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। सारी चीज़ों को करने के लिए नियत चाहिए। नियत आपकी अच्छी है तो आप हर काम कर सकते हैं। अरविंद केजरीवाल जी में नियत, इसलिए उन्होंने दिल्ली में परिवर्तन करके देखा है। वही परिवर्तन आम आदमी पार्टी छत्तीसगढ़ के हर एक कार्यकर्ता चाहते हैं कि ये बदलाव दिल्ली में हुआ है, आए इसके लिए सारे कार्यकर्ता आज एक हो रहे हैं। और इस छत्तीसगढ़ में मुश्किल से 20-25 लोग इसकी शुरुआत की थी 10 साल पहले, हमने अन्ना आंदोलन से ये शुरू किया था। आज इतनी बड़े परिवार है, आप देख सकते हैं कि इतना बड़ा आंदोलन ये मुहिम मर रहा है और ये निसंदेह छत्तीसगढ़ सरकार भी कांग्रेस की सरकार को हटाएगी और अगला चुनाव आम आदमी पार्टी ही है जनता के सामने चुने के। छत्तीसगढ़ बालोद से रिपोर्टर दीपक देवागन की ये रिपोर्ट।